लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्जुन सिंह से बदला लेने का ईंधन मिल गया है मुझे। क्या माल मिल गया गुरु? अरे माल नहीं बेवकूफ, एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसका इस्तेमाल जुर्म के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। मोहब्बत का हथियार, राधा और मनु की मोहब्बत का हथियार। लेकिन उनका अर्जुन सिंह से क्या लेना देना? यही तो तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा, यहाँ तक कि वो दोनों प्रेम दीवाने भी नहीं समझेंगे कि मैं उनसे क्या करवाने जा रहा हूँ। मेरा मास्टर प्लान क्या है? क्या है राजा बिटिया? कौन? मैं, तेरा चाचा। हाँ? जी मैं आपका नाम भूल गई। नटवर, तेरा नटवर चाचा। हाँ, तेरा नटवर चाचा। मुझे कुछ काम है। हाँ बेटी, तेरे पास वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है? नहीं। स्वामी विवेकानंद की? जी वो थी, सहेली ले गई। क्या करूं, दरअसल बात यह है कि जब तक मैं किसी महापुरुष की जीवनी नहीं पढ़ लेता मेरा दिन शुरू नहीं होता। हनुमान चालीसा? जी मेरे पास तो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर है। तुम्हारा ना 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 ना, मुझे इन मारदार की किताबों से क्या लेना देना है। चलो तुम्हारा हाथ ही देख लेते। आप हाथ भी देखते हैं? हाँ, पिछले 7 साल से पंडित वाचस्पति शास्त्री के हाथ है ना, तो सीख लिया। 7 साल? बताइए ना चाचा। बैठिए बैठिए, बताइए ना प्लीज। बताइए, जल्दी बताइए प्लीज। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज का नाम म से शुरू होता है। करेक्ट। लेकिन वो चीज इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। वो चीज तुम्हें मिल सकती है, लेकिन बीच में एक आधा है जिसका नाम स से शुरू होता है। एकदम करेक्ट। पापा मनु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, तो उसका नाम मनु है? मनोहर। अरे शर्माती क्यों है बेटी है? मेरी विद्या कहती है कि ये बाधा दूर हो सकती है, और इस बाधा को दूर करने वाले का नाम शुरू होता है न से। न? हाँ। नटवर चाचू। अरे हाँ, न से तो मेरा ही नाम शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये शुभ कार्य करना होगा। लेकिन पापा बहुत जिद्दी हैं। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, तुम्हारी मनु से शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए बस तू एक बार मुझे मनु से मिलवा दे। वाह 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 बेटे, वाह वाह। अरे बेटी, हमें तुम्हारे मनु से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या राजयोग झलक रहा है चेहरे से, ऐसी जोड़ी तो कभी कभी मिलती है। तुम दोनों का ट्रांजिस्टर बैटरी के साथ है। हाँ चाचू, सिर्फ स्विच ऑन करने की देर है। अरे वो हम करवा देंगे। तो क्या आप हमारी शादी करवा देंगे? कब चाचू, बोलो ना कब। बहुत जल्द, बहुत जल्द वो लड़का राधा बेटी के साथ शादी करके आपकी सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठ जाएगा। ब्लैक कोबरा। हाँ। ये पॉइजन मुझे किल कर देगा। नटवर सेव मी। फिकर मत कीजिए, सांप का जहर निकालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बस आप वही करते जाइए जो मैं आपको कहता जाऊं। थैंक यू पापा। पार्टी चल रही है। व्हाट फॉर? हमारे प्यार की 12वीं सालगिरह है अंकल। हाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, केक भी है? हाँ हाँ, लीजिए ना, आप भी लीजिए। हाँ पापा, बहुत टेस्टी है। हाउ मच कॉस्ट दिस केक? इसकी कोई कीमत नहीं अंकल, ये प्यार का केक है। हाँ, लव केक। फिर भी पैसे किसने दिए? हु पेड? जी मैंने पैसे दिए हैं। आई नो। ये कैंडल मन्नू पेड़। नो, दिस मैचेस मन्नू पेड़। नो, ये भी नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड। यू ऑल फ्रेंड गिव चंदा फॉर दिस वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड भजिया। स्पीक, शादी की बात क्या करोगे? फ्रेंडली लेबर्स, डोनेशन फॉर घर खर्च, राधा मन्नू रिलीफ फंड। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? वही जो तुम सुन रहे हो। फॉरगेट लव, फॉरगेट राधा से शादी।
दिखाओ तेरे जेब में कितना अंकल, पैसा। अंकल शो मी हाउ अंकल अंकल दिखाओ एक रुपया देखो एक रुपया ओनली बस फेयर सी सी राधा पर्स सी 1000 रुपीज डेली पॉकेट मनी तुम्हारे बाप को 1000 पगार मिलती है टेन नहीं इसीलिए नो प्यार नो शादी मेरी बेटी को आदत नहीं है राशन की लाइन में खड़े रहने की ना ही उसको आदत है बस फेयर के लिए छुट्टा पैसा गिनने की अंडरस्टैंड तुम लोग तो कंगाल हो खुद का पेट भरने का तुम्हें प्रॉब्लम है मेरी बेटी को क्या खिलाओगे क्या पहनाओगे कहाँ रहेगी वो टेल मी कहाँ रहेगी वो जहाँ मनु रहेगा मैं वही रहूंगी बहरहाल मैं मनु के साथ खुश रहूंगी पापा क्योंकि हम प्यार करते हैं हमारी जिंदगी पैसों से नहीं मोहब्बत से कटेगी हमारी मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है आप हमें नहीं रोक सकते हम जरूर शादी करेंगे शादी करोगे ओके करो लेकिन एक शर्त है और शर्त यह है कि लाइक मी यू ऑल्सो हैव बंगला कार मनी इज्जत माई बराबर तभी मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी कबूल है शर्त अरे ये क्या कबूल करेगा चल बेटी घर चले ये तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता ये तेरे काबिल नहीं है संगमरमर कभी झोपड़ी में नहीं लगता उसके लिए महल बनाना पड़ता है समझे चल बेटी ठहरो मुझे कबूल है आपने जो शर्त रखी है मैं उसे पूरी करूंगा कार बंगला दौलत शौहरत इज्जत तो क्या मैं राधा के लिए चांद तक धरती पे ले आऊंगा और मेरा ये वादा रहा कि आपकी शर्त पूरी करने के बाद ही मैं पूरे बैंड बाजी के साथ आऊंगा राधा को प्यारे अर्थक्वेक फ्लड एक्सीडेंट पूरा सत्यानाश लेकिन भाई साहब साइलेंट तुम्हारा सुना ऑल फ्लॉप अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए ओहो नहीं नहीं भाई साहब मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा हाँ व्हाट ओहो अगर मनु ने आपकी झूठी शर्त को मान लिया है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस बेचारी राधा बिटिया की शादी कहीं और करवा सकते व्हाई नॉट मैं जरूर करा सकता हूँ उसकी शादी किसी और से नहीं नहीं भाई साहब ये तो गलत होगा ना वो बेचारी तो मनु से प्यार करती है इस तरह से आप उसका दिल नहीं तोड़ सकते तोड़ सकता हूँ नहीं तोड़ सकते तोड़ सकता हूँ लेकिन कैसे राधा के लिए ऑलरेडी 4 रिश्ता वेटिंग 1 मुझे पसंद भी है राधा को बहुत सूट करेगा परफेक्ट मैच रिच टॉल ब्लैक हैंडसम नो पापा आप चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते मैं ऐसा ही करूंगा तेरे साथ लेकिन भाई साहब तू नहीं समझ रही तेरी भलाई इसी में है नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी शांति भाई साहब शांति गुस्से से बात निकल जाएगी लड़की हाथ से निकल जाएगी कहाँ निकल जाएगी भाग जाएगी जाऊंगी ना ना बेटे ऐसा मत करना वरना तेरे पापा कल ही तेरी शादी करवा देंगे एग्जैक्टली तो फिर मैं आज ही घर छोड़ के जा रही हूँ कहाँ जा रही तू ये क्या कर रहे हैं भाई साहब लड़की को कमरे में बंद मत कीजिए हाँ जरूर करूंगा चल चल भाई साहब देखिए बेचारी रो रही है बेचारी रो रही है भाई साहब तू तब तक इस रूम में क्लोज रहेगी जब तक तेरी मैरिज नहीं होती ए नेटवर्क तुम इसमें नजर रखना मैं फास्ट चक्की इसका रिश्ता ज्वाइन करके आता हूँ मैंने तो राधा के लिए अमीर बनने की शर्त कबूल की है और मैं शर्त पूरी करके रहूंगा आफ्टर ऑल मेरे आत्मसम्मान का सवाल है मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा अच्छा शर्त कबूल करने से पहले मुझसे पूछा था क्या क्यों पूछता ये मेरी जिंदगी का सवाल है जिंदगी का सवाल है मेरा एक हाथ पड़ेगा तो सारे सवाल भूल जाएगा 7 दिन तक दाढ़ी नहीं हुएगी गाल पर तो आप दोनों गालों पे मारिएगा मुझे एक गाल पे दाढ़ी उगाने का शौक नहीं है अबे चुप मैंने बड़े बड़े गुंडे बदमाशों चोरों डकैतों को ठीक किया है तू क्या चीज है चल मेरी बात और है मैंने मोहब्बत किया चोरी नहीं मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अब दरवाजा तो खोलिए मैं खुद ही चला जाऊंगा खामोश लोहा सिंह की कैद से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका आप लकी हैं उनमें से कोई आपका बेटा नहीं था आप मुझे राधा से अलग नहीं कर सकते ये आप क्या कर रहे हैं बेवकूफ
अमीर बनने चला है, क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा। उसमें क्या है, मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राधा 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 रा। वो सुन सकती है तो फिर चुप। राधा बेटी, राधा बेटी है? ले कुछ खा ले, कुछ खा ले। हाँ मुझे भूख नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ तुझे भूख क्यों नहीं है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ और तू नहीं खाएगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ चाचू? ये चाकू बहुत तेज है, ये देख ये देख ये देख। हाँ ये क्या बेटी, तू अपने चाचा को चाकू दिखाकर भाग देना चाहती है? मुझे भागना तो भाग गया, लेकिन इस चाकू को मुझसे दूर रख, मुझे इस चाकू से बहुत डर लगता है। सॉरी चाचू, मैं जानती हूँ पापा आपको कितना डांटेंगे, लेकिन मेरा प्यार। अब शुरू प्लान नंबर